सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत तो पहुंच गई नेपाल के रास्ते, उसने विवाह भी किया, लेकिन इसके बावजूद कानून की भाषा प्रेम की भाषा से अलग होती है। प्रेम की भाषा में बंध कर वो यहां तक पहुंच गई हैं और वो भाषा भी ऐसी बोल रही हैं, लेकिन कानून क्या कहता है, कानून की भाषा में उसके यहां आने का, विवाह करने का, बिना वीजा पासपोर्ट के यहां तक पहुंचने का क्या मतलब है, कानून क्या कहता है। हम सीनियर एडवोकेट और संविधान और कानून के जानकार रमेश गुप्ता जी से बात कर रहे हैं। सर, सीमा हैदर को लेके नागरिकता कानून क्या कहता है, जो स्थिति है? देखिए, सिटीजनशिप जो एक्ट है वही कहता है कि कोई भी विदेशी अगर किसी इंडियन सिटीजन से शादी करता है और वो 7 साल तक इंडिया में रहते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो 7 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए वो इंटाइटल हो जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी सारे फैक्ट वेरीफाई करकर उनको सिटीजनशिप दे सकती है। बिना वैध कागजात के किसी देश में घुस के, चूंकि बिना वैध कागजात के तो आप घुस ही सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं, वहां के नागरिक से आप शादी कर लें तो क्या नागरिकता मिलने के लिए आप एलिजिबल होते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एंट्री इलीगल है। अगर आपने शादी कर ली है, वो जो लीगल है, तो आपको अपने देश में जाना पड़ेगा, वहां जाकर आपको वैलिड वीजा लेना पड़ेगा। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप आकर यहाँ आ सकते हैं, जितनी देर का भी वीजा मिलेगा, फिर वापस जा सकते हैं। फिर आप लंबा वीजा ले सकते हैं, कहके कि मेरी शादी हो गई, पर 7 साल का, 7 साल तो उसको रहना ही पड़ेगा, तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। पर वीजा शादी के ग्राउंड पर मिल जाता है, पर वो वीजा यहाँ रहकर अप्लाई करे तो कैसे मिलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इलीगल है। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन एक्ट में ही वो इन्वॉल्व हो गए, तो अगर वो डिपोर्ट हो सकती हैं या अगर उन पे केस हो गया तो बेल हो गई, तो अगर सजा भी हो गई तो जज डायरेक्शन देगा कि इसको रिपोर्ट किया जाए। तो वो अभी लीगली अगर नहीं रह रही है तो कोई कानून की वो उनको रिलीफ मिल नहीं सकता। डिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अदालत ने उसको बेल दिया है, अदालत, तो ये कहा होगा कि तुम ये शर्तें हैं, तो अदालत जिस दिन उसका ट्रायल करेगी तो उस दिन अदालत तो डायरेक्शन दे सकती है ना कि इसको रिपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। और सर, ये सीमा हैदर के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये है कि दो हिंदुओं की शादी हो सकती है। जैसे मेरी जानकारी है, आर्य समाज में ये प्रावधान है कि अगर कन्वर्जन अलाउड है, किसी भी धर्म के व्यक्ति को कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में, फिर आर्य समाज तरीके से शादी हो जाती है, जिसको शुद्धिकरण कहते हैं। अब किन परिस्थितियों में सीमा को नागरिकता मांगने का अधिकार है? देखिए, एक ही बताया तरीका कि अगर वो शादी उसकी वैलिड है, 7 साल रहने के वैलिड है और वो उसका हस्बैंड इंडियन सिटीजन है, तो 7 साल के बाद वो अगर रहेगी 7 साल तो वो अप्लाई कर सकती है सिटीजनशिप के लिए। सर, एक और क्वेश्चन है कि सीमा ने बोला कि अगर उसे नागरिकता नहीं मिलती है, वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो जान दे देगी लेकिन वो भारत में ही रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जान की दुहाई अगर कोई दे तो असाइलम कानून के तहत क्या उसको नागरिकता मिल सकती है? नहीं, ऐसा कोई, ऐसे तो रोज ही हर आदमी दुआई देने लगेगा कि जी मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को बेल दे दो, जी रोज होता है कोर्टों में, या उसका रिश्तेदार कहता है इसको गलत पकड़ लिया, जी मर जाऊंगा। कानून तो ऐसा कुछ नहीं कहता ना, वो अगर ये धमकी दे रही है, दिस इज इंटिमिडेशन, मेरे हिसाब से वो थ्रेट कर रही है। ऐसे मामलों में डिपोर्ट कानून क्या कहता है? देखिये, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, और डिपोर्टेशन कोई भी गैर कानूनी तरीके से अगर देश में आया है और वो रह नहीं सकता, अगर या तो उसको रहने की इजाजत दी जाए तो उसको रिपोर्ट करना ही होगा। अगर पाकिस्तान से कोई ऐसा संबंध नहीं है कि हम वहां पर किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, तो जैसा इस केस में जानकारी है, वो नेपाल के जरिए आई है, दुबई के जरिए आई है, तो जहां से उसका ओरिजिन है, मतलब ट्रेवल का ओरिजिन है, वहां पर डिपोर्ट हो सकती है। अच्छा, वहां हो सकती है, चूंकि इसके पास से 3 पासपोर्ट भी मिले हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, दुबई का पासपोर्ट है और नेपाल का है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नेपाल या दुबई या पाकिस्तान, तीनों जगह में कहीं पे भी वो डिपोर्ट हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कानून की भाषा आपने समझ ली, जो प्रेम की भाषा से बिल्कुल अलग है, और कानून की भाषा कहती है कि या तो 7 साल तक वो भारत में रहे, लेकिन भारत में रहने के लिए उसे वैध वीजा की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन इस बीच बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसमें ये भी जासूसी एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे एंगल हैं, लेकिन कानून क्या कहता है ये बात हमने आपको बताई। मेरी सहयोगी कनु सारदा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।